नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमेन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी के इंजन रिबिल्ड की पूरी सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि इंजन को रिबिल्ड करने के बाद कार्बोरेटर की जो प्रॉपर ट्यूनिंग है वो हमें करनी ही होती है, क्योंकि पुरानी ट्यूनिंग इसमें नहीं चलती है। तो चलिए इसकी ट्यूनिंग को कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्क्रू है वो RPM को कम ज़्यादा करने का है, और इसकी साइड में जो यहाँ पर ये स्क्रू है वो एयर फ्यूल मिक्सचर को ट्यूनिंग करने का स्क्रू है। इसी के जरिए कार्बोरेटर की ट्यूनिंग होती है, जिसके ज़रिए जो हमारा पेट्रोल के साथ एयर का मिक्सचर होता है यहाँ से कम ज़्यादा होता है। इसमें कभी दोस्तों पेट्रोल कम ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ यहाँ से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो यहाँ से CO लेवल इसको बोलते हैं, वो कम ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ही हमारा माइलेज है वो बढ़ता है। तो चलिए इसको प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग कर लेते हैं। कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करते वक्त RPM को आपको बढ़ा लेना है जहां आपका इंजन बंद ना हो जाए, और इसके बाद इसका फ्यूल एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको आपको धीरे धीरे क्लोज करते जाना है, और वहां तक क्लोज करना है जहां पे आपको लगे कि हमारा इंजन का RPM बिल्कुल स्लो होने लगा है, उसी जगह से आपको इसको वापस खोलना शुरू करना है, और उस लेवल तक खोलना है जहाँ पर इंजन का RPM सबसे ज़्यादा हाई हो जाए और स्टेबल भी रहे, और उसी पॉइंट पर आपको इस स्क्रू को छोड़ देना है, क्योंकि वही आपका इसका मेन पॉइंट यानी कि सही पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जो इसका RPM है वो हमें बढ़ा लेना है। और इसके बाद इस स्क्रू को कसना है पूरा का पूरा, और यहाँ से खोलना शुरू करना है। तो ये हाफ, वन वन एंड हाफ, टू, तो धीरे धीरे हमारा RPM बढ़ रहा है। टू एंड हाफ, तो यहाँ पे कम हो रहा है, तो टू एंड हाफ पर ये जो RPM है वो बिल्कुल सही स्टेबल आ रहा है। तो यही हमारा सेंटर पॉइंट है, और इसके बाद RPM को वापस कम कर लेना है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कार्बोरेटर कंप्लीट ट्यूनिंग। तो इसका जो चूड़ी है वो ढाई पर कंप्लीट अभी सेट हुआ है, और जैसे जैसे इसका कंप्रेशन का जो लेवल है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस प्रकार से इसको एक बार वापस हमें दूसरी सर्विस में इसको एक बार फिर से ट्यूनिंग करना है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले,
ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।